स्कीम है जिसके तहत जो हमारे अनकनेक्टेड हैबिटेशंस होते हैं रूरल एरिया में उनको कनेक्ट किया जाता है। तो आज ये रोड जो है ये यहाँ की DGC BDC जो मिल के इनाग्रेट कर रहे हैं और मैं भी इनका साथ देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो 5.25 किलोमीटर की रोड है, 5,000 के लगभग पॉपुलेशन को कैटर करेगी। काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लोगों की, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है इसको प्रोजेक्ट को सेंक्शन किया है और इसके लिए 6 महीने में जो मैक्सिमम ये रोड बनके तैयार हो जाएगी। और हमारी ये कोशिश है कि जितने भी अनकनेक्टेड हैबिटेशन है इसके साथ साथ वो भी इसके कनेक्ट हो जाएं और साथ में लोगों को मैक्सिमम जो लोगों को जो फ़ायदा है, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो हॉस्पिटल है, जो ओल्ड लोग हैं, जो किसी कारण इस रोड के ना होने के कारण उनको काफ़ी तकलीफ होती थी, उस तकलीफ से उनको जो निजात दी जाए। तो इसीलिए रोड हमने जो सर जिस ठेकेदार को ये सौंपा गया है काम, काफ़ी सुलझे हुए ठेकेदार हैं, काफ़ी ए क्लास ठेकेदार हैं, क्या उम्मीद लेके ही चलेंगे? मेरे को ठेकेदार के बारे में पता नहीं है, वो तो किरण कुमार एग्जीक्यूटिव एजेंसी का रोल है उसमें, तो मैं चाहूँगा कि वो अच्छा ठेकेदार हैं तो जल्दी से रोड बनाएं, टाइमली बनाएं और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए रोड बनाएं। काफ़ी देरी ना मांग थी हमारी ये पब्लिक की कि हमें ये रोड जो है हमारी 5.5 किलोमीटर है, तो 5.5 करोड़ की है, तो हमें ये है कि हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ और हमारे LG साहब का और ख़ास करके मैं DC साहब का और हमारे SMP MGSY और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हमारी ये काफ़ी दरीना मांग थी हमारी पब्लिक की कि हमारे ये जो है कि क्योंकि ये तीन हमारी ये कनेक्टिविटी है, हमारी तीन ब्लॉकों में मतलब कनेक्ट होती है रोड, ये है थना मंडी है, मंजाकोट है और हमारी ब्लॉक पलांगड़ में है। तो किरण कुमार जो ठेकेदार है यहाँ पर जिसने ये ठेका लिया, क्या उम्मीद करके चलेंगे कि कब तक वो इसको मुकम्मल कर पाएंगे? हम तो ये आश्वासन दिलाएंगे उनको कि वो कह रहे हैं कि हमें ये मई जून जुलाई में इसका ब्लैक टॉपिंग कर देंगे। तो आपकी तरह से किस तरह का कोऑपरेट रहेगा उनके साथ? हम फुल कोऑपरेट करेंगे इनके साथ। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि लाइफ लाइन है आज की जिंदगी के लिए, रोड्स की बहुत अहमियत है, रोड्स के जरिए मरीज़ों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है, मुलाजमीन अपने दफातर में जाते हैं, स्टूडेंट्स स्कूलों में जाते हैं और दीगर जो शोभा जाते हैं, दीगर जो ज़िंदगी के शोभा जाते हैं एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत मुफीद होती है आज की इस ज़िंदगी में। क्या वजह मान के चलेंगे तो काफ़ी तखीर के बाद ये रोड जो है बनने जा रही है, क्या? सबसे पहली चीज़ है कि लोगों की कोशिश तो रही है, लोग अप्रोच करते रहे हैं हायर अथॉरिटीज़ तक, कंसर्न अथॉरिटीज़ तक, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं हैं, वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को पता होगा, गवर्नमेंट को पता होगा कि क्यों डिले किया, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा डिले नहीं हुई है। हमारी कोशिश तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा रही है, तो ये 12 बार साबित हुई है और आज की डेट में आप बहुत खुश हैं कि इसको इनोवेट किया जा रहा है।